नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत आजकल खिले हुए गार्डन में इन अमरायलिस लिली के फूलों के साथ। और भाई जिसके भी गार्डन में प्लांट लगे होंगे, फूल खिलने शुरू हो गए होंगे या खिल रहे होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों वो एक गिफ्ट के बारे में जो मेरे लिए लेके आए हैं। ये उधर यूपी में जो खुर्जा साइड है ना, जहाँ पे सेरेमिक का सामान बनता है, तो उस तरफ गए हुए थे, तो वहाँ से मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं। तो बिल्कुल मैं भी एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए, और बिल्कुल करते हैं इसको रीओपन और उसके बाद करते हैं इसको सैनिटाइज और फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान है वो। तो चलो इन डब्बों को खोल लेते हैं, और बड़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ ये सामान लेके आए हैं। और दोस्तों सेरेमिक का सामान इतना अच्छा होता है ना कि मतलब कहीं आसपास भी सड़कों पे ये चीज़ें लगी होती हैं तो बिल्कुल हम अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहते। और देखते हैं अब ये क्या क्या लेके आए हैं, है ना। तो आदमियों की पसंद थोड़ा सा औरतों से अलग ही होती है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेरे मतलब का सामान है। तो मैंने ये रीओपन कर लिए हैं और बड़े अच्छे से पैक हुए हुए थे, ये आप देख ही रहे हो। मैंने सैनिटाइज कर लिया इन सबको, और बिल्कुल दोस्तों ये मैं जान के बता रही हूँ सैनिटाइज, क्योंकि इस वक्त और भी ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप कोई सामान मंगाए ना या ऑनलाइन डिलीवरी आपके घर आती है तो उसको एक बार ना सैनिटाइज कर लिया करो। तो ये रख दिया भाई मैंने अपनी टेबल के ऊपर आपको दिखाने के लिए अच्छे से। और भाई इतना बढ़िया सामान है ना भाई, मज़ा आ गया वाकई में। अगर मैं खुद भी होती तो भी इतनी अच्छी चीज़ें ना ले पाती, और बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बनती हैं तो रेट भी इनके रीजनेबल ही होंगे, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं ये थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी और कुछ भी अपना भी मार्जिन रखते होंगे ये, लेकिन वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं तो वहाँ पे इनका रेट कम ही पड़ा है। ये देखो कितनी सुंदर चीज़ें हैं, मतलब सारी इतनी प्यारी चीज़ें हैं, और कुछ किचन के लिए हैं और कुछ एज ए प्लांटर है, वो आप देखते जाओ। और सारी बिल्कुल काम में आने वाली चीज़ें हैं ये, जैसे कि आप सब कुछ देख रहे हो। तो कुछ तो मेरी किचन में कुकिंग में काम आ जाएंगी, और वीडियो बनाने में भी एक नई चीज़ होगी मेरे पास, है ना। नए नए बर्तन आते हैं तो उनको यूज़ करना भी बड़ा अच्छा लगता है, और सेरेमिक के तो दोस्तों वैसे ही बर्तन इतने प्यारे लगते हैं, बस थोड़ा सा इनको हैंडल करना मतलब हैंडल करना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन सावधानी से उठाना रखना होता है बस इनको। तो ये देखो ये वो है, वो नहीं होती पैर के एडी साफ करने का, सॉरी एकदम से ना समझ में नहीं आता ये क्या है, मेरी भी समझ में नहीं आया था, सोच के ही बोला है मैंने भी। और ये देखो सोप डिस्पेंसर कितना अच्छा है, ये भी सेरेमिक का है ना, कितना प्यारा सा। तो ये सारा का सारा ये सामान लेके आए हैं। चलो सारी चीज़ें मनपसंद है मेरी, सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये देखते जाओ आप भी जो भी हैं, है ना, डिज़ाइन वगैरह भी सबके अच्छे अच्छे हैं और रेट भी ठीक ही पड़े। यहाँ से तो भाई ये समझ लो एक तिहाई रेट थे, इन्होंने मुझे बताया तो नहीं, एक चीज़ का इन्होंने वैसे पूछा था, जो बुद्धा जी ने थे उनका पूछा था तो वहाँ पे उनका रेट बताया था, तो मुझे लगा कि एक तिहाई रेट में हम खरीदते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, वहाँ पे बहुत रीजनेबल मिलती हैं चीज़ें जहाँ खुर्जा में बनती है ना, जिनको भी पता है। तो ये उधर गए हुए थे तो वहाँ से सारा का सारा सामान लेके आए हैं, और भाई आदमियों का आपको पता है रेट वेट बताया नहीं करते, तो अब आप मुझसे रेट तो कमेंट करके पूछना मत। और बस जेंट्स वैसे भी खुद भी नहीं पूछते दुकानदार से, है ना, जो जो चीज़ पसंद आती है बस वो ले लेते हैं और कहते हैं भाई इकट्ठा बिल बना दे, मेरे ख्याल से इनको खुद को भी नहीं पता होगा, और ज़्यादा पूछना भी नहीं अच्छा लगता है ना, पूछना अच्छा क्या लगता, कोई बताएगा भी कहेंगे तेरे काम की चीज़ें बस अपना यूज़ कर ले और क्या, रेट वेट क्या है, तुझे अच्छी लगी है बस ठीक है। और ये देखो हैंग करने वाली ना, ये प्लांट लगा के जैसे हैंग कर देते हैं हम लोग, है ना, तो ये भी सेरेमिक की बाल्टियां हैं, अच्छी लग रही हैं ये भी, तो ये हैंडल से हैंग हो जाएंगी। और सारी चीजें मतलब अच्छी हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, सेलेक्टेड सी चीजें हैं। तो ये कह रहे थे बस मुझे तो ये थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई, वहां तो ये समझ लो पूरा गोडाउन ही था, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या लूं, फिर मुझे लगा कि अब आ रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो ले जाऊं। तो बस ये देखो आप ये सारी की सारी चीजें, मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, है ना।
ये कह रहे थे कि ना तू खुद साथ चलियो तब तुझे ज्यादा पता लगेगा, मेरे को तो बस थोड़ी बहुत जो मैंने लेनी थी ले ली। वैसे वहां बहुत वैरायटी थी उनके पास, बहुत ज्यादा वैरायटी। तो मैं कभी जाऊंगी ना फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि कैसे गोडाउन है उनके, क्या क्या सामान है। अभी तो भाई जो ये लेके आए हैं वही देख लो आप। तो आदमियों को ना वैसे ज्यादा अचार का चटनी का शौक होता है, वो मतलब अपने मतलब के ना सारे बर्तन लेके आए हुए हैं ये, है ना, बाउल वगैरह ये सारी चीजें। और यकीन मानो ये ना उठाने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और वो पैन तो भी मेरे काम आएगा कुकिंग की वीडियोस बनाने के। किस लिए कह रही हूं मैं, जब हम खाना बना के एक शो नहीं करते है ना, कि एक ये समझ लो सिग्नेचर टाइप सा हो जाता है कुछ, तो उस तरीके से मेरे काम आ जाएगा कुकिंग के। और कुकिंग का भी मेरा चैनल है जिसको नहीं पता है, स्मार्ट किचन के नाम से मैं वीडियोस बनाती हूँ, वो भी आप एक बार जरूर देखना। तो ये देखो सबके कलर वगैरह ना सब अच्छे अच्छे हैं, तो इन्हें लगा कि ये बड़े वाले बाउल है ना सबके कलर अलग ले लेता हूँ। मैं कह रही थी इनको, मैंने कहा ये सबके अलग अलग कलर ले लिया आपने, तो बोले चारों का ना हमारा अलग अलग हो जाएगा। और ये देख सारे डिजाइन बड़े अच्छे से हैं भी वाकई में अच्छे है ना। आप बताना कमेंट करके कैसा सामान लगा इनका लाया हुआ। तो ये कह रहे थे वहां तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं ले, हर चीज ही इतनी सुंदर लग रही थी। तो सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे पैन लगा, देखो आप भी बताओ कैसा लगा ये, है ना। तो कोई भी डिश बना के अगर सर्व करे कितना अच्छा लगेगा, है ना। और भाई मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और मुझे सेरेमिक की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ नर्सरी पे भी अब तो मिलना शुरू हो गया, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया। और जब भी दिवाली वगैरह पे साइड में लगती थी ना ये दुकानें, है ना, दिवाली के टाइम पे लगती हैं त्योहार के टाइम पे, तब भी मैं बड़े शौक से लेती थी ये। और ये तो भाई इनका फेवरेट है, इनका काम आने वाला है स्क्रबर। देखो ऐसे सारी चीजें आ गई हैं सेरेमिक में, है ना, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। सोप डिस्पेंसर का तो मुझे यकीन भी नहीं था कि सेरेमिक में सोप डिस्पेंसर मिलेगा, और ये बता रहे थे इसमें इतने अच्छे अच्छे डिजाइन थे। क्योंकि आदमी ना थोड़े से रफ टफ होते हैं, और फटाफट से जो चीज दिखती है बस कहते हैं हाँ ये भी दे दे ये भी दे दे, तो औरतें थोड़ा सा चूजी होती हैं कलर के और टेक्सचर के मामले में। लेकिन फिर भी उस हिसाब से सारी चीज अच्छी है ना। देखो इसका प्रिंट भी कितना प्यारा है बाउल का, ये थोड़ा क्लासिक सा है ना, जैसा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं। और ये बर्नी काम आ जाएंगी भाई अचार के या चटनी के, है ना, वो मैं देख लूंगी क्या रखूंगी इसमें। और शूट जब करते हैं ना दोस्तों कुकिंग की वीडियो, तब भी ये चीजें अच्छी लगती हैं देखने में और दिखाने में भी। और ये देखो प्लांटर है, और ये ना अच्छे डीप प्लांटर है, वीडियो में आपको शायद पता नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। और देखो ड्रेनेज होल है सब में, तो देखो मैं क्या लगाती हूँ अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये लंबे वाली ट्रे है, ये लॉन्ग में है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में, ये देखो कितना अच्छा डिजाइन है, ऐसे लग रहा है जैसे मोती से चिपका रखे हैं इस पे ब्लैक वाले पे, तो है ना। और ये मतलब अच्छे लग रहे हैं सारे, अच्छे अच्छे प्रिंट है, अच्छे अच्छे डिजाइन है। देखो ये बकेट भी कितनी प्यारी है, इसमें तो आप क्या लगाओगे, एस्पेरेगस ठीक लगेगी, है ना, लटकती हुई बाहर की तरफ। और क्या लगेगा इसमें, और भाई बेबी सनरोज, और क्या, ये देखो दही जमाने वाली हांडी, और वो टोटराइज, वो भी अच्छे हैं, है ना। तो ओवरऑल सारा सामान अच्छा ही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आप कमेंट करके बताना आपको इनकी पसंद कैसी लगी। मेरा तो मन खुश हो गया आज ये चीजें देख के, मुझे वैसे इनका बहुत शौक है। और जब कभी रोड वगैरह पे शुरुआत में लगती थी ना ये दुकान, में तो इतना सारा सामान लेके आती थी, भले ही कॉस्टली होता था वो कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे, लेकिन मैं सोचती थी फिर ये भैया और चले जाएंगे फिर कहाँ से मिलेगा इतना सुंदर सामान। और मुझे वाकई में क्रेज है, और दोस्तों औरतों को ना इन चीजों का बड़ा क्रेज होता है, बहुत ज्यादा औरतों को। पता नहीं आप एग्री कर रहे होगे नहीं कर रहे होगे, है ना, ये चीजें वैसी अच्छी लगती हैं किचन में भी। और अब तो ऐसे प्लांटर भी आने लगी हैं चीजें, तो और भी सुंदर लगती हैं, क्योंकि इसके कलर वलर फेड होने का भी डर नहीं रहता, बस थोड़ा सा हैंडल विद केयर है। तो बस जी
बताओ मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा, और इनको खोलते हुए मेरे भी हाथ देखो कितने गंदे से हो रहे हैं। चलो बाद में धोऊंगी वीडियो बना के। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बस बताना मुझे कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।